हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पुष्पेंद भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजे एंटरटेनमेंट ब्लॉग। हाँ जी, तो दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। नई आशा के साथ आप लोग सामने फिर हाजिर हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों अपने शोरूम से, वही शोरूम वाले एरिया से, और अभी बज रहा है अपना 11:05। तो आज संडे का दिन, अपना दुकान खोलने का दिन है, इसलिए दोस्तों जल्दी भी आ रहा है, जल्दी दुकान भी खुल रही है। तो बस आके खड़ी हुई, अभी कोई आया नहीं है, अकेला मैं ही आया, अभी लोग आने में ही होंगे सभी लोग। तो चलिए गाइस, लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम। बढ़ते ब्लॉग में आगे और देखेंगे आज ब्लॉग कैसा बनता है, क्या है, कैसा है, जो भी है मैं तो बताना चाहूँगा। दोस्तों, प्रचार भी होने लगे हैं चुनाव के, 7 मई का भोपाल का वोट डालने का दिन है, तो डालने जरूर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए गाइस, करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू और पढ़ते हैं वीडियो में अपन आगे की ओर। और अभी तो गेट वगैरह खुले नहीं हैं, खोलते हैं तो चलते हैं अंदर। हाँ जी गाइस, तो एक बार फिर से आ गए बाहर और अभी बज रहा है अपना 2:35 दोस्तों, 2:30 बज रहा है दोस्तों। लंच वगैरह का टाइम जैसे 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो 2 बजे अपने लंच करने गए थे, तकरीबन आधा घंटे के आसपास लगा, ज़्यादा नहीं लगा, कम ही लगा। तो उस बीच में अपना लंच वगैरह होगा, तो आप लोग से मिलते चलें, बाकी सब लोग कर रहे हैं अपने टाइम के हिसाब से लंच। अभी भी अंदर उधर बाकी लोग भी लंच कर रहे हैं। पार्किंग देख लीजिए दोस्तों, गाड़ियों के लिए एक ही लाइन से लगी, यहाँ से दिखाता हूँ, ये लगी, ये अपनी गाड़ी लगी, ये स्कूटी और ये आगे तक बढ़िया गाड़ी लगी है। वो बात चुका है टेम्परेचर की, तो हो रखा है दोस्तों 37 डिग्री, गर्मी बहुत है। बताना चाहूँगा सामने फुल्की का ठेला भी लगा है, तो फुल्की का ठेला लगा है गर्मी से निजात पाने के लिए, वो तो खैर चले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड में धूप की वजह से कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। मंदिर भी बंद है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम उधर चल रहा है, पार्किंग फुल है, इसकी अपनी पार्किंग खाली है और हवा भी चल रही है बढ़िया। और अंदर कस्टमर की बात करें तो आज अपना नंबर 5, 4, तो फर्स्ट राउंड में नंबर आया नहीं है, किसी का भी नहीं आया, शोरूम का ही नंबर नहीं आया। तो नंबर से तो गुस्सा थे, अभी सेकंड में देखेंगे अगर आता है तो ठीक है, आजकल लग नहीं रहा है, संडे होना तो चाहिए भीड़ भाड़, बट देखते हैं अगर होती है तो ठीक, नहीं तो जयराम लिख लो। तो और बाकी अभी शोरूम और आज बताना चाहूँगा, संडे है तो आज भी डबल हेडर मैच है। कल तो अपनी राजस्थान की टीम जीत गई थी मस्त, अपनी वाली टीम में वर्ल्ड कप भी चल रही है, एक मैच हार गई थी अनफॉर्चुनेटली गुजरात से, नहीं तो अपनी राजस्थान की टीम फर्स्ट पे ही है दोस्तों। और आज भी है संडे का दिन, डबल हेडर का मैच है, और किसका मैच है आज दिन में, सनराइज़र और RCB, मस्त मैच है, और शाम को है चेन्नई गुजरात। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होगा मैच में, अपन चलते हैं अंदर और देखते हैं मैच, मिलते हैं आप लोगों से शाम के समय फर्स्ट वाले मैच का रिजल्ट बताने के लिए दोस्तों। अच्छी गाइस, तो अभी पहुँच चुके बाहर और अभी बज रहा है 5:30 दोस्तों। सामने देख लीजिए मंदिर का कपाट बंद है, नेशनल की पार्किंग फुल है, अपनी पार्किंग खाली, हालांकि वो गाड़ी खड़ी है वो भी नेशनल की है दोस्तों। और एक अपने महाराज बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और ट्रैफिक वगैरह थोड़ा सा कम हो रहा है दोस्तों, देख लीजिए धीरे धीरे। तो ट्रैफिक कम हो चुका है, किसी देर में तक हो ही जाएगा दोस्तों। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हो रखा है अपना 31 डिग्री दोस्तों, थोड़ा सा कम टेम्परेचर है हालांकि दिन के मुकाबले देखें तो। और बात करें तो अपने अंदर एक कस्टमर की, तो अपने पास आज नंबर था दोस्तों अपना 4, तो फर्स्ट राउंड में तो अपना नंबर नहीं आया था, सेकंड राउंड में अपना आया नंबर, तो काफ़ी बढ़िया रहा दोस्तों, क्योंकि 11,000 की बिलिंग हुई थी, जितनी हुई थी लेंगे थी। तो 0 से आए थे, जाएंगे अपने क्या कहते हैं 11,000 से, तो मिला जुला के दिन तो काफ़ी बढ़िया रहा दोस्तों। और बात करें अपने चुनाव की, तो चुनाव प्रचार आज से मैंने देखने लगा, मतलब सभी जगह चुनाव प्रचार अब होने लगे, कांग्रेस के, बीजेपी के, वो टोटल देखें तो 28 प्रत्याशी हैं भोपाल से, तो 7 मई को डलेगा वोट। और आज संडे का दिन था, तो मिला जला के ठीक ठाक ही गया एक हिसाब से देखो तो, बाकी तो ठीक ठाक है। और हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा संडे का दिन है तो ट्रैफिक भी कम मिला आते हुए, बट लेकिन प्रचार अच्छे से हो रहा था,
तो ये भी हो सकता है, एक मैन ये भी है। और आज गाइस दिन का मैच के एक और हाल बता दें कि जो दिन में मैच हुआ था उसमें अपने आरसीबी ने बाजी मार ली है, तो खैर आरसीबी अब थोड़ी जीत की पटरी पर लौटने लगी है, तो अच्छा है, पॉइंट्स टेबल में एक तगड़ा वो देखने को मिलेगा। बट अपनी राजस्थान तो पहुंच गई दोस्तों, क्वालिफाई कर ही लिया है। और अभी चेन्नई का मैच है जिसमें चेन्नई ने 213 रन का टारगेट दिया है, ताकि मुझे खुशी आरसीबी लगी कि आगे बढ़ने लगे। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अंदर की ओर और मिलते हैं आप लोगों से अब छुट्टी के समय 9 की 9 7 के आसपास, जितने बजे भी हो तब आएंगे एक बार मिलने आपसे। जी गाइस तो हो चुकी छुट्टी और अभी सभी लोग जा चुके हैं, आज संडे का दिन था तो मैं चाबी वगैरह दे था के बढ़िया से आराम कर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलते चले। तो करते हैं उसका वेट संदीप का किसका, तो उसके साथ फिर अब चलेंगे अपने घर की ओर, देख लेंगे आप लोगों से मुलाकात कहाँ होती है दोस्तों। तो गाइस करते हैं लोग को एंड, राइट में नहीं कर पाए थे तो अभी तो हैं घर पे, तो इसको यहीं कर लेते हैं ब्लॉग को एंड। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके और पर क्लिक कर देना दोस्तों, आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन दें सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। फिलहाल के लिए वीडियो में गुड नाइट, शुभरात्रि एंड शुभ। और हाँ दोस्तों ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय जय राम जी की।